बहुत शुक्रिया। काफिला जा रहा था, बीच में दिल्ली पड़ गई तो रुक गया मैं। वैसे तो मुझे इलेक्शंस के सेंटर्स में जहां पहला चरण का चुनाव होना वहां होना चाहिए, कायदे से तो आज मुझे मुरादाबाद होना चाहिए, लेकिन मैं कल मुरादाबाद हूंगा। कल मैं मुजफ्फरनगर था लेकिन मैं आज आया, इसलिए मैं लाइव कर रहा हूं। मुजफ्फरनगर मैं कल दिखाऊंगा, जो हमने आपसे बातचीत की है कल मुजफ्फरनगर में वो आज नहीं, कल हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज मैं कनॉट प्लेस में था, बीच में रुक गया दिल्ली में, तो बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे लोग जो आए हैं उनसे बातचीत शुरू करेंगे। पाजी थोड़ा सा ऑडियो ठीक करिएगा। इलेक्शंस 24 का तमाम सारे लोगों की बातचीत, लेकिन कनॉट प्लेस एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे देश से लोग आते जाते हैं, लिहाजा बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी बातें एक्सचेंज करने को मौका मिलता है, बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। यकीनन मैं उनसे बात जरूर करूंगा। मैम नमस्ते, कहां से आना हुआ? हम लोग इंदिरा पार्क से आए हैं। इंदिरा पार्क, ये कहां? यहीं पे दिल्ली, इतनी दिल्लियां एक दिल्ली के अंदर हैं कि यकीन मानिए पूरी जिंदगी गुजर जाए लेकिन लोग दिल्ली नहीं देख पाते हैं पूरा। ऐसा कई शहरों के साथ है लेकिन दिल्ली के साथ भी ऐसा ही है। बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना है आपको, कुछ मन है कहने के लिए? ये मन है जो मैंने अभी तक आपको टीवी में देखा था। अच्छा, तो अभी तक हमने आपको टीवी पे देखा था, यहाँ मौका लग गया। खड़े रहो, बहुत ज्यादा नहीं, बाल बड़े हो गए तो काबिल नहीं हो गए, ये खड़े रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहमानों से तारुफ कर दवा जी। कहाँ से आना हो गया आपका? पंजाब से जी। पंजाब से, अमृतसर से परिवार आया है पूरा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो माथा टेकने का मुझे भी मौका लगेगा अभी चुनाव में, तो वहां जाऊंगा माथा टेकूंगा। लेकिन आपका आना बहुत अच्छा लगा, और कोई बात बीच में हो तो बोल के जाइएगा सारे लोग। कोई बात, क्या नाम है आपका? जयजीत। जयजीत, जयजीत। और मेरे बाजी से मिले आप? वो देखिए मेरे सामने कैमरे में खड़े हैं। है जी। और आपका? एंजल। एंजल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हरनाम जी आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं हरनाम जी कहूंगा खड़े हो जाइए। आप 19 में आए थे, 19 में आए, उसके बाद बड़ा लंबा वक्ता कोरोना भी हुआ, उसके बाद मैं लौट भी आया, लेकिन आप आज आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रॉम सो फार अवे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राकेश जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजहांपुर पहुंचिएगा, मैं वहां पहुंचूंगा। मुफ्ती शमुन कासमी साहब, और जो कि राष्ट्रीय सर्वधर्म एकता संघ से भी हैं और कैबिनेट प्राप्त दर्जा है इनका मंत्री का उत्तराखंड में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जिया मंजरी शो में आती रही हैं, आज एक बार फिर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक चीज बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, जब मैं आई एम सेइंग दैट कि हेलो, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रॉम सो फार अवे। दुनिया में अपनी तरह का ये एक अकेला ऐसा शो है जो शाम को लगता है और तमाम जनता जुड़ती, कहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। हाइट पार्क लंदन में जो है लोग अपनी बात कहने के लिए आते हैं, लेकिन कोई ऐसा शो होता हो टेलीविजन का नहीं है। और पिछले एक दो साल से नहीं, लगभग 10 साल से तो इसी जगह पे शो होता आ रहा है। ये अपनी तरह का एक अलग अलग तरह का शो है जिसमें तमाम मुख्तलिफ किस्म के लोग जुड़ते हैं और अपनी बात कहने के लिए। जी मुफ्ती साहब, इसके फाउंडर आप हैं कि आपने जनता की आवाज को सरकार अरे तक फाउंडर के चक्कर में ना पड़िए, आम आदमी पार्टी के फाउंडर्स में तो आप हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है फाउंडर्स वालों का, फाउंडर्स के चक्कर में नहीं, फाउंडर्स के तो आम आदमी पार्टी के फाउंडर्स में से ये भी हैं। मुझे याद है, देखा याद है। हाँ जी, अभी अंडर कवर हो गए हैं। अंडर कवर, अंडर कवर क्या हो गए? आपने संभाल के नहीं रखा, ये भी एक बड़ी कला होती है, आर्ट के आर्ट होती है कि कैसे किसको संभाला जाए। जी बाजी, सब ठीक तो रहा? ओके। आए, आए। आपकी कमी थी भाजी, इसीलिए एक दिन का यहाँ पे रुक गया मैं। बाहर आई, ये दिल्ली का, ये दिल्ली की अपनी एक आर्ट है, दिल्ली का एक तरीका है बात करने का। वो जिससे मोहब्बत करती है वह बहुत मोहब्बत करती है, और जिसके ऊपर निछावर होती है पूरी तरह से निछावर। मुझे मालूम है ये जो तुमने गर्मी और सर्दी का इंतजाम बनाया है,
मुझे मालूम मफलर भी है और टी शर्ट भी है और बगैर बाह की है, मुझे मालूम है। शाम को जो दिल्ली में जो थोड़ा सा बहुत रंगीन होता है, ये दिल्ली की अपनी एक अदा है। मुझसे लोग कहते हैं आपके शो में बहुत डिस्टर्बेंस करने आ जाते हैं लोग, शराब पी के या नशा करके। तो जब मैं बाहर शो कर रहा हूं तो लोग बहुत परेशान होते हैं। मैंने कहा ना छोड़ दीजिए, मुझे दिल्ली का अनुभव है और मैं जानता हूं कैसे इसको टैकल करना है। आप खड़े रहो भैया, मैं बात करूंगा बीच में। तो किसी को बोलना हो कुछ तो हाथ उठाए, वरना मैं इधर की तरफ जाऊं। हाँ जी, आपको बोलना है। क्या नाम है साहब आपका? दीपक कुमार पांडे। अच्छा, दिल्ली के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो चप्पल भी उतर जाएगी, चप्पल भी उतर जाएगी। पहले कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। मोबाइल रखो नीचे। हाँ जी, बिहार के। बिहार के कहाँ के? बिहार में बक्सर के। बक्सर के, आराम से बोलो। अपने घर में भी ऐसे बोलते हो? घर में भी बोलते हैं। तो घर में अकड़ के बोलते हैं, अकड़ के बोलते हैं। तब तो बहुत मारे जाओगे। तो मारने वाला है दिल्ली में अकड़ नहीं होता। आराम से बिना विनम्रता के साथ, है ना? बिहार के तो वैसे ही बोलो ना। हाँ जी, कोई बात कहनी है जी? बोलिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो सुविधाएं मिली आज तक कोई पार्टी ने नहीं दिया। हम लोग बिहार के बक्सर जिला के हैं और बक्सर जिला में जो अश्विनी कुमार चौबे ने कर दिया वो आज तक कोई सांसद ने नहीं किया था। काम क्या करते हैं हम? अभी कुछ नहीं करते हैं। हाँ तो ठीक है। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि कोई काम नहीं करते? प्रतीक भाई, तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के चंदा लूटा कैसे? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का ही सवाल है। पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। सुप्रीम कोर्ट लगातार बोले चला जा रहा है और सुनने को तैयार नहीं हो रहे। चंदे के ऊपर आज चंदे पे भी बात करेंगे। बीजेपी के नेता ने कहा कि वो जमाना था जब 1500 रुपए चंदा मिलता था, 100 रुपए अपनी जेब में जाते थे और बाकी 1400 रुपए कहां जाते थे? दुनिया के बाहर, यानी देश के बाहर चले जाते थे। ये बात वहां कही गई, लेकिन आपने बात उठा दिया। मैंने आपका बात का स्वागत है क्योंकि शो में ये बातचीत आएंगी, मुख्तलिफ तरह से आएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बात कही गई जहां की आज डिबेट को शुरू करेंगे कि कांग्रेस और ममता के नेताओं के घर से जितने पैसे पकड़े गए, नोटों की गिनती करते करते मशीन भी गर्मा गई। हाँ जी, एग्री ऑन दिस पॉइंट बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता। आपने बंगाली? यस आई एम बंगाली। तो बांग्ला क्यों नहीं बोलते ना? तो बांग्ला बोले ना। आमी बंगाली, आई एम फ्रॉम कोलकाता। सो देयर्स ममता गवर्नमेंट, सो मेस ऑफ वर्क, सो वी वांट बीजेपी गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। वी वांट, ये आपके ये मसला आपका है, लेकिन बीजेपी में आज ये बात कही गई और ये कहा गया, ये जो बात कही न्यूज 18 के राइजिंग भारत में ये बात सामने निकल के आई। गृहमंत्री ने कहा कि इतने पैसों की गिनती करते करते मशीन भी गर्मा गई। मतलब डिबेट स्टार्ट्स, सबसे पहले कांग्रेस और उसके बाद आम आदमी पार्टी। जी, क्या कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, कहेंगे आप? मतलब ये कह रहे हैं कि इतने पैसे पकड़े जा रहे हैं कि मशीन गर्मा रही है। जी देखिए, ऐसा है कि इस देश में जितना दुरुपयोग शायद सरकारी एजेंसियों का हो रहा है, ईडी का, सीबीआई और इनकम टैक्स का, मैं समझता हूं इससे पहले किसी भी सरकार ने, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इतना दुरुपयोग नहीं किया होगा। आज तक आप ये लगा लीजिए 10 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर के यहां पर रेड नहीं हुई। और जो आदमी, जो व्यक्ति कांग्रेस में है, दूसरी किसी भी दल में हो, जैसे ही वो भाजपा में प्रवेश करता है, वॉशिंग मशीन में धुलाई होती है, उसके सारे केस बंद हो जाते हैं। अभी आदर्श घोटाले में हमारे चौहान साहब अंदर जाने वाले थे और आज देखिए वहां जाकर उनका सब काम। अच्छा, ये आपको पता था कि जाने वाले हैं? जाने वाले तो ये भी पता होगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है आदर्श घोटाले में। स्वाभाविक है, उनको हटाया था कांग्रेस ने जब चीफ, तो ये सजा दी थी। तो ये बड़ा मुश्किल है साहब। वो कहते हैं कि ईडी का, सीबीआई का डर दिखाते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसलिए नहीं पकड़े गए और जहां पकड़े जा रहे हैं वहीं पे पानी जो है कम है या ज्यादा है, वहीं डूब रहे हैं लोग। जी मैं आया। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं हिसार हरियाणा से आया। हिसार हरियाणा से, हरियाणा के रहने वाले हैं। मैं क्या मैं हूँ तो यूपी का, गोरखपुर का। हाँ। लेकिन मैं वहाँ काफी समय से रह रहा हूँ। रह रहे, बहुत अच्छा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप जी, दिलीप जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट में जितना भी काम हुआ है किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। जो इन्होंने वादा किया वो गारंटी को पूरी किया इन्होंने। अच्छा, बिल्कुल। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी अब गारंटी कहा है, 150 गारंटी उनकी भी है। उन्होंने कहा कि मैंने 150 गारंटी। जी नमस्ते, आगे आइए।
नमस्ते सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। मैं मतलब हो गया मुझे 7-8 साल आपको देखते हुए। और अच्छा, कर क्या रही हैं आप ये बताइए। सर मैं अभी कैबिन क्रू के लिए इंडिगो में ट्रेनिंग चल रही है मेरी। अच्छा, ओ एयर होस्टेस है ये, बहुत अच्छा। रुको बेरोजगार, आया बेरोजगार, अरे रुको बेरोजगार, चुनाव चल रहा इसी में लगो।